भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, यह आपने भी किसी न किसी से जरूर सुना होगा। लेकिन वे कौन लोग थे जिनकी अकूत दौलत ने भारत को ये तमगा दिलवाया, जिन्हें लूटने के लिए अंग्रेजों को भारत आना पड़ा? अनगिनत लोग और अथाह खजाना बताया जाता है। आज हम इन्हीं में से एक, जगत सेठ के बारे में बताएंगे, जिनके पास इतना पैसा था कि अंग्रेज भी उनसे उधार लिया करते थे, व्यापारी बनकर, शासक बनकर नहीं। असल में जगत सेठ एक नाम नहीं बल्कि पदवी है, जो फतेह चंद को मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1723 में दी थी। इसके बाद यह पूरा परिवार जगत सेठ घराना के नाम से मशहूर हुआ। इस घराने का संस्थापक सेठ मानिक चंद को माना जाता है। मानिक चंद न सिर्फ नवाब मुर्शिद कुली खां के खजांची थे, बल्कि सूबे का लगान भी उनके पास जमा होता था। दोनों ने मिलकर बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद बसाई। इन्होंने औरंगजेब को 1,30,00,000 की जगह 2 करोड़ का लगान भेजा था। मानिक चंद के बाद परिवार की बागडोर फतेह चंद के हाथ में आई, जिनके समय में यह परिवार बुलंदियों पर पहुंचा। जगत सेठ घराने के बारे में कहा जाता था कि यह परिवार चाहे तो सोने और चांदी की दीवार बनाकर गंगा की धारा को रोक सकता है। इस घराने ने सबसे अधिक दौलत फतेह चंद के दौर में अर्जित की। उस समय उनकी संपत्ति करीब 1 करोड़ पाउंड की थी, जो आज के हिसाब से करीब 1,000 बिलियन पाउंड के करीब होगी। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों के अनुसार उनके पास इंग्लैंड के सभी बैंकों की तुलना में अधिक पैसा था। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी अनुमान है कि 1720 के दशक में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जगत सेठों की संपत्ति से छोटी थी, लेकिन चढ़ता सूरज एक न एक दिन ढलता भी है। इस घराने के अंत का कारण बना अंग्रेजों द्वारा दिया गया धोखा। जगत सेठ ने अंग्रेजों को काफी बड़ा कर्ज दे दिया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस बात से साफ मना कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जगत सेठ का कोई कर्ज है। यह इस घराने के लिए बहुत बड़ा धक्का था। 1912 तक अंग्रेजों की तरफ से इस घराने के सेठों को जगत सेठ की उपाधि के साथ थोड़ी बहुत पेंशन मिलती रही, लेकिन बाद में यह पेंशन भी बंद हो गई। एक समय जिस घराने की मर्जी के बिना हिंदुस्तान में शायद ही कोई बड़ा फैसला लिया जाता हो, आज के दौर में इन्हें कोई जानता भी नहीं। जगत सेठ के चढ़ाव उतार की यह कहानी क्या इससे पहले जानते थे आप? हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।